Was it the voice? Was it the fire? आज का व्लॉग है बहुत ही ज्यादा रैंडम. इट्स अ वेरी रैंडम व्लॉग वेयर आई बी शोइंग यू गाइस कि मैं अपने बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ. मेरे बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि भाई तू इतना बड़ा बैग लेके आ रही है आजकल, उसमें लेकर क्या आती है एक्चुअली में. सो भाई जो भी मेरे से पूछ रहा था ना, ये व्लॉग उसके लिए है. सो टुडे आई बी शोइंग यू गाइस कि एक्चुअली में उस बैग में होता क्या क्या है. दिस इज द बैग. इसमें मैं क्या क्या लेके जाती हूँ वो मैं आपको सब दिखाती हूँ. ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो एंड तक इसको तो जरूर देखना. चलो चलते हैं. ये सारी चीजें हैं जो मैं लेके जाती हूँ. सबसे पहले इज माई दिस लिपस्टिक. दिस इज द लिपस्टिक विच आई यूजली यूज. मैं अपने बैग में हमेशा एक या दो लिपस्टिक हमेशा रखती हूँ, बिकॉज कभी ना कभी यार यूज़ हो जाता है. जैसे हम कुछ खाते हैं तो उतर जाती है लिपस्टिक, कुछ पीते हैं तो उतर जाती है लिपस्टिक, और उसके बाद अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो दोबारा लिपस्टिक लगानी पड़ती है. सो इसलिए आई कैरी दिस एक्स्ट्रा लिपस्टिक विद मी. एंड इसका लिप शेड भी मुझे बहुत प्यारा लगता है. मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. प्यारी है ना. सो इट्स माई फेवरेट एक्चुअली. एंड द सेकेंड थिंग विच इज देयर, माई स्पेक्स. आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि यार मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं. मुझे हाँ, मुझे दूर का नहीं दिखता है. आप में से भी कोई मुझे देखेगा ना सामने से, तो मैं किसी को भी नहीं देख पाऊंगी बगैर चश्मे के. सो मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ. मेरा शायद नंबर कुछ होगा 2 या फिर 1 का 1.75, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. चश्मा भी जो है वो मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे अपना नंबर नहीं पता है. बट हाँ, आप में से मुझे कोई दिखेगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी, इसलिए चश्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो द नेक्स्ट थिंग इज शेड्स. शेड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गुड़गांव में यार ऐसा है कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है, प्रॉपर बारिश भी नहीं हो रही है. सो हमेशा सनग्लासेस कैरी करती हूँ, बारिश हो रही हो या धूप हो रही हो, हमेशा एवरी टाइम. लाइक ऑब्वियसली धूप हो रही होती है तो मैं लगा के जाती हूँ, बारिश हो रही होती है तो मैं आपके साथ कैरी करके जाती हूँ. नेक्स्ट थिंग इज माई हाउस कीज. सो दिस की है, ये रूम की है, एंड दिस इज द की रिंग. ये मुझे बहुत पसंद था. आई गेस मैंने अपनी स्टोर 99 से इसको लिया था, एंड इसको 1 साल हो गया यूज़ करते करते. इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई है, बट मैंने इसको नहीं फेंका बिकॉज इट्स माई फेवरेट. ओके, सो नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं हमारे बैग में से क्या निकलती है. प्लेट. बैंडेड तो भाई बहुत जरूरी है, बिकॉज इज नो आई डू जिमिंग, तो कभी ना कभी क्या होता है यार, अभी शू बाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं इसको ना एक्स्ट्रा लेके ही घूमती हूँ. मेरे पास 3 बैंडेड होगी, और हमेशा जब मुझे शू बाइट होता है मैं लगा देती हूँ. इज दिस क्यूट लिटिल डायरी, दिख रही है ना आपको, ऐसे दिखाते हैं. यस, सो ये बहुत ही क्यूट सी डायरी है. ये मैंने पता नहीं शायद आई डोंट नो मैंने कहाँ से ली थी, कौन से स्टोर से ली थी, बट येस आई डू राइट. तो मैं ना जो भी मैं सुबह उठ के प्लान बना देती हूँ अपना कि हाँ मुझे ये करना है, सारा टू डू लिस्ट बना देती हूँ, अपने साथ लेके चलती हूँ हमेशा. लाइक बाहर अगर कहीं मैं जा रही हूँ किसी काम से, तो हाँ चलो ये काम हो गया, तो मैं तो टिक लगा देती हूँ. सो ये डायरी मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ. इसके साथ साथ मैं कुछ पेन्स विच आई टेक अलॉन्ग विद मी, लाइक कुछ रैंडम से पेन्स हैं. ज़रूरी नहीं होता, अगर छोटा बैग लेके जा रही हूँ तो मैं पेन कैरी नहीं करती हूँ, किसी से ले लेती हूँ ऑब्वियसली, बट बड़ा बैग लेके जा रही हूँ सो आई मेक श्योर कि मैं जितनी चीज़ें खुद से लेके जा सकूँ अच्छा है, क्योंकि बाहर निकल के पता नहीं चलता यार क्या चीज़ आपको कब ज़रूरत पड़ जाए. तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अपने बैग में लेके जाती हूँ पहले से. ओके, नेक्स्ट इज दिस हैंड क्रीम. ये मैं हैंड क्रीम लेकर आई थी वेस्ट साइड से. अरे ये बहुत प्यारी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है. इसका ये ब्लॉसम फ्रेग्रेंस नहीं है एक्चुअली, मैं कुछ लेकर आई थी 199 रुपीज़ की. ये काफ़ी टाइम चल रही है, इसको थोड़ा सा भी लगाओ ना यार. जैसे अगर आप देखोगे अभी तो मैंने बस इतना सा लिया है ये, एंड मैं इसको ये लगाऊंगी. तो फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है. श्विंगम्स हैप्पी डेंट सेंटर फ्रेश. तो ये च्युइंगम्स है, ये हमेशा मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ. लाइक एक दो होती हैं, जब ख़त्म हो जाती है मैं दोबारा रख लेती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू च्यू च्युइंगम्स, बिकॉज एक्चुअली भी मुझे ना जॉ लाइन चाहिए. अगर आप देखोगे तो वैसे थोड़ी बहुत आने लग गई है इन च्युइंगम्स की वजह से ही. आई डू फेशियल योगा ऑल्सो इन द मॉर्निंग,
बट मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं पूरे दिन पानी भी अच्छे से पीऊँ और च्यूइंगम च्यू करती रहूँ जब मैं कुछ ना खा रही हूँ, सो डैट आई गेट दैट चिसल जॉ लाइन जो थोड़ी थोड़ी अभी आ रही है. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, च्यूइंगम से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि पहले मेरा ऐसे था बट अब मेरा ऐसे है. सो या इट्स हेल्पफुल एक्चुअली. कुछ रबर बैंड्स, एक्स्ट्रा रबर बैंड्स, जैसे अभी मेरे बाल अभी खुले हुए हैं, मैं कहीं बाहर बाल खोल के जा रही हूँ बट मेरा मन करता है कभी कभी अपने बाल टाई कर लूँगी, गर्मी इतनी हो जाती है क्योंकि बारिश की वजह से क्या हो रहा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है तो बाल ओपन रखना इट्स लाइक एक टास्क है बहुत बड़ा. तो मैं यहाँ से जब मैं घर से निकलती हूँ तो फैशन के लिए तो मैं बाल खोल जाती हूँ बट बाद में जाके मुझे बाल टाई करने ही पड़ते हैं. ये जो है ओके माय ईयर ड्रॉप्स, इट्स लाइक मैं इसके बगैर बाहर जा ही नहीं सकती. इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. मैं कैश के बगैर बाहर जा सकती हूँ, मैं कार्ड के बगैर बाहर जा सकती हूँ, मैं इसके बगैर और एक्चुअली फ़ोन के बगैर बाहर नहीं जा सकती. सो म्यूज़िक इज़ माई लाइफ एक्चुअली. मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने सुनना तो मैं हमेशा ये कैरी करती हूँ अपने साथ. दिस मस्कारा, ओके सो दिस इज़ द फेसेस कैनेडा का मस्कारा. अभी थोड़ा ये डर्टी हो रखा है क्योंकि मैं इसको यूज़ रेगुलरली करती हूँ, अभी भी मैंने यूज़ करा है इसको एक्चुअली. बट येस आई ऑलवेज कैरी अ मस्कारा विद मी क्योंकि मुझे विंग लैशेस पसंद है तो आई ऑलवेज कैरी दिस. सो नेक्स्ट इज दिस फेशियल वाइप्स. इसके बगैर भी मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ. समर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समर्स में कह लो मानसून में कह लो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यार कि हमेशा कैरी करनी ही पड़ती हैं. जैसे फेस वाइप हो गया, टोनर हो गया, दिस मस्कारा, लिपस्टिक, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती ही करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल. नेक्स्ट इज दिस टोनर. शायद मेरा ये फोर्थ या फिफ्थ बॉटल होगा, मुझे बहुत पसंद है ये. इससे बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है और इसको हमेशा मैं बैग में कैरी करती हूँ. और मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मतलब मैंने पहले फेस वाइप कर लिया देन उसके बाद मैं ऐसे 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 कर लेती हूँ एंड आई फील सो रिफ्रेश्ड एक्चुअली में. बट कभी कभार जैसे अगर हमने मेकअप कर रखा होता है तो आप फेशियल वाइप से चेहरा वाइप मत करना, सीधे सिर्फ टोनर नहीं फेंक देना, तब भी आपका मेकअप और ग्लो करने लग जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ फेशियल टॉनिक मिस्ट, हसायन रोज और फॉरेस्ट एसेंशियल, इट्स वेरी गुड. सम स्पॉन्ज मेकअप कभी सेट करना हो, थोड़ा उधर उधर हो जाए तो तब जरूरत पड़ती है इनकी. एंड एक्चुअली क्लचर, रबर बैंड एंड क्लचर हमेशा मेरे बैग में देनी है एवरी टाइम. एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ये लेके घूमती हूँ, लाइक हेयर बैंड्स हो गई, क्लचर हो गए, रबर बैंड्स हो गए, हमेशा मेरे बैग में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. तो बाहर अगर कोई मिले आप में से मुझे और किसी को रबर बैंड अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे से मांग लेना, मेरे पास हमेशा होगा. ओके जोक्स पार्ट, बैक टू द टॉपिक. परफ्यूम, वेरी क्यूट परफ्यूम. एंड मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये मिनीसो से लिया था एंड इसका है फ्रीलैंड, पता नहीं कुछ अजीब सा लिखा हुआ है. आप देख, अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज मुझे भी बता देना. बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है. मतलब ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली. मैं अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो इट्स माय फेवरेट. एंड लगा लेते चलो. तो वेरी नाइस, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ये भी मैं दो या तीन बार यूज कर चुकी हूँ, खत्म होने ही वाली है. सो द नेक्स्ट एक्चुअली मेरे बैग कब खाली हो चुका है, जस्ट फ्यू हेयर पिन्स आर लेफ्ट. हेयर पिन्स भी मैं ज़रूर कैरी करती हूँ तो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि अगर आपको हेयर पिन्स, रबर बैंड या फिर क्लचर की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूँगी आराम से. अब मेरा बैग हो चुका है पूरा का पूरा खाली. ओके सो देयर आर फ्यू कार्ड्स. कार्ड्स कह रही है हमें क्यों नहीं बता रही यार वीडियो में. सो ये कुछ कार्ड्स है, कार्ड्स तो यार सबके पास ही होते हैं कार्ड्स. लाइक एक मेरा कोटक का है, एक मेरा SBI का है, एक मेरा HDFC का है. बैलेंस शायद किसी में भी नहीं है. तो जोकिंग गाइस, बहुत पैसा मेरे पास. तो एंड दिस इज अनदर कार्ड, सॉरी उल्टा है, ड्राइविंग लाइसेंस. दो मुझे ड्राइविंग नहीं आती है बिल्कुल भी ठीक से बट हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था वो भी कोविड के टाइम पे कि भाई हम ड्राइविंग सीखेंगे बट हमने ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि हमें ड्राइविंग आती ही नहीं है. इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप लोगों को सुननी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी बहुत आराम से कभी फुर्सत में. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज अ वेरी रैंडम ब्लॉग और अ फन ब्लॉग यू कैन से.
If you like this video, please like, share and subscribe my channel. I usually post a lot of makeup videos, haul videos, vlog videos and this funny content as well. So please like, share and subscribe.